किसान बलराम किसान आप हैं ओटू पार्क में। ओटू पार्क का एक दी नेचुरल हैबिटेट का ऑफिस बन रहा है हिंगोनिया गौशाला में। मैं उसके दर्शन कराता हूँ। आज पहला चूने का लाइन डल रहा है, दिखाता हूँ। यहाँ पर दी नेचुरल हैबिटेट का राजस्थान में हिंगोनिया गौशाला में ओटू पार्क का एक विजिट पॉइंट बन रहा है, ऑफिस बन रहा है, जिसका एक छोटा सा नज़ारा दिखाता हूँ मैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मार्किंग हो रहा है, पहला मार्किंग चूने के लेआउट का हो रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है। राजस्थान तैयार हो जाओ। दौड़ कर ऊपर जाता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कि नीचे कैसा दिख रहा है। पहली शुरुआत। यस, मेरे साथ यहाँ के जो सिविल का काम करते हैं वो मित्र हैं, मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं विंग कमांडर अंजलि। इनके बारे में थोड़ा सा बतला दूँ, आप 23 साल से एयरफोर्स में थे, फिर 2 साल कहीं कॉरपोरेट में कुछ रहे, अब सब छोड़ छाड़ करके गौ सेवा में लगे हैं, प्राणी संरक्षण में लगे हैं, प्रकृति के साथ हैं। और आप सिविल के हैं जो यहाँ पर पहला इनिशिएटिव लेने आए हैं। ये कुछ मार्क हो रहा है और कुछ कुछ दी नेचुरल हैबिटेट के लिए इस पूरे ऊंचे नीचे टेरेन पर कुछ कुछ बन रहा है। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, बने रहिए साथ में। और आप विंग कमांडर अंजलि हैं जो अब पूरे समर्पण से गौ सेवा, प्राणी संरक्षण और नेचरो पैथी नेचर के साथ आगे कनेक्ट होकर के पूरे वर्ल्ड के साथ बढ़ रही है। ये बना रहे हैं ओटू पार्क, ऑक्सीजन पार्क, और हम जस्ट सपोर्टर हैं। ओटू पार्क ऑक्सीजन जनरेटर जो ओटू पार्क बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के साथ कई सारे देश इनवाइट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जनरेट कैसे किया जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में और टेम्परेचर कम कैसे किया जाए तुरंत क्विक क्विक क्विक। जो ओटू टीम के इनिशिएटिव्स हैं, अंजलि जी के कुछ डिज़ाइंस हैं, इनका बेस जो था एनवायरनमेंट साइंस से पढ़ाई की है इन्होंने और काफ़ी सारे आयामों पर ये पहुँचे हैं एनवायरनमेंट साइंस से। उसके बाद एयरफोर्स में गए 23 साल तक एडमिनिस्ट्रेशन और काफ़ी कुछ इन्होंने देखा है और अब प्रकृति के लिए, मनुष्यों के लिए ओटू पार्क बना रहे हैं और प्रकृति के लिए H2E2 का मॉडल रन कर रहे हैं जहाँ पर सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट बन सके और मानव जीवन के लिए सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी बन सके। इन दो चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू, बने रहिए साथ में।